नमस्कार बच्चों आज की हिंदी की कक्षा में हम पाठ पंद्रह के नवीन शब्द लिखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक उसके बाद आपको लिखना है विचार एकता में बल है और उसके बाद पाठ संख्या पंद्रह और पाठ का नाम चांद बच गया ठीक है आपको इस प्रकार से लिखना है और उसके बाद ही आपको अपना कार्य प्रारंभ करना है तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं कि एकता में बल है तो ये है आपका विचार तो आपको इस कहानी से भी पता चल गया होगा कि कैसे चारों बंदर आपस में मिल कार्य करते हैं है ना मिल रहते हैं मिल खेलते हैं तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी हमेशा ही अपने दोस्तों के साथ मिल रहना चाहिए किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं करनी चाहिए है ना प्रेम से रहना चाहिए क्योंकि एकता में जब हम मिलके रहते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता कोई हमारे साथ लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि हम एकता में रहने से हम शक्तिशाली बन जाते हैं तो इसीलिए कहा गया है एकता में बल है ठीक है तो ये है आपका विचार उसके बाद आपको लिखना है नवीन शब्द तो चलिए इन शब्दों का उच्चारण मैं करती हूँ और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप भी मेरे साथ इन्हें दोहराएंगे ठीक है तो शुरू करते हैं पहला शब्द है दुम दुम दूसरा है मुंडेर मुंडेर तीसरा चिल्लाना चिल्लाना आधा ल फिर पूरा ल अगला है चौथा कुएं कुएँ पांचवा है धीरज धीरज छठा प्रयत्न प्रयत्न सातवा छलांग छलांग आठवा प्रसन्नता प्रसन्नता नौवा लटकना लटकना दसवां शाबाश शाबाश तो बच्चों आपको इन शब्दों को ऐसे ही लिखना है और हर चीज़ का ध्यान रखना है चंद्र बिंदु का ध्यान रखना है आधे वर्णों का ध्यान रखना है ठीक है इस प्रकार से लिखना है और एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो ये शब्द है प्रसन्नता इसको आपको ऐसे लिखना है प्र पूरा फिर आधा फिर पूरा न फिर ता आधा नौ फिर पूरा नौ फिर ता ये क्या बन गया प्रसन्नता ठीक है ये हम सिस्टम से टाइप करते हैं ना सिस्टम में तो इस तरह का आ जाता है तो कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कैसे लिखा है तो आपको ऐसे लिखना है जैसे मैम ने लिख के दिया है तो ऐसे आपको लिखना है ठीक है इस प्रकार से ये लिखना है तो चलिए नवीन शब्द आपके हो गए हैं अब हम आगे बढ़ते हैं अगला क्या है शब्दार्थ अब बारी है शब्द अर्थ की तो आपको इसी तरह लिखना है और फिर लिखना है शब्द अर्थ तो पहला क्या है दुम दुम का अर्थ होता है पूँछ जो कि जानवरों में आपने देखी होगी गाय में देखी होगी भैंस में देखी होगी पूँछ है ना कुत्ते की भी होती है तो वो कहलाती है दुम नंबर दो उपाय उपाय का अर्थ है तरकीब तरकीब तीसरा है प्रयत्न प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश कोशिश या प्रयास चौथा है हाथ मारना हाथ मारना का अर्थ है कोशिश करना या प्रयत्न करना कोशिश करना पांचवा है धीरज धीरज का अर्थ होता है सब्र या धैर्य सब्र या धैर्य ये सब्र ऐसे लिखा हुआ है स फिर ब लिखा हुआ है और ब के नीचे ऐसे र लगाया हुआ है सब्र ठीक है ऐसे ही आपको लिखना है तो आगे बढ़ते हैं ये आपके शब्द अर्थ हो गए अब बारी है प्रश्नोत्तर की तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न है क चारों दोस्तों के नाम क्या थे चारों दोस्तों के नाम क्या थे उत्तर है चारों दोस्तों के नाम थे मटरू कटरू दुमकू और नैको चारों दोस्तों के नाम थे मटरू कटरू दुमकू और नैको इसके बाद आपको दो पंक्तियाँ छोड़नी हैं अगला प्रश्न लिखना है ख उनकी खास बात क्या थी उनकी खास बात क्या थी उत्तर है उनकी खास बात इस प्रकार थी मटरू गोल मटोल था कटरू के कान बड़े बड़े थे दुमकू की तुम लंबी थी और नैकू की आँखें मोटी मोटी थी ठीक है उनकी खास बात इस प्रकार थी मटरू गोल मटोल था कटरू के कान बड़े बड़े थे दुमकू की दुम लंबी थी और नैकू की आंखें मोटी मोटी थी अब अगला प्रश्न ग नैकू ने कुएं में क्या देखा नैकू ने कुएं में क्या देखा उत्तर है नैको ने कुएं के पानी में चांद को हिलते हुए देखा नैको ने कुएं के पानी में चांद को हिलते हुए देखा अगला है घ चारों दोस्तों ने चांद को डूबने से कैसे बचाया चारों दोस्तों ने चांद को डूबने से कैसे बचाया उत्तर है चारों दोस्तों ने एक दूसरे की टांग पकड़कर चांद को डूबने से बचाया चारों दोस्तों ने एक दूसरे की टांग पकड़कर चांद को डूबने से बचाया ये रहे आपके प्रश्नोत्तर तो बच्चों आपको ये नवीन शब्द शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में बहुत ही साफ साफ लिखने हैं उसके बाद इसे स्वयं चेक करना है और साथ ही ने याद भी करना है ठीक है तो मिलते हैं अगली कक्षा में धन्यवाद